लेकिन जब हम 400-500 किलोमीटर पे माइलेज टेस्ट करेंगे तो इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर जो रीडिंग है वो है 434। तो ऊपर तक पेट्रोल भरवाने का यही नुकसान है कि देख रहे हो भाई, ये पेट्रोल यहाँ से निकल रहा है। सो हेलो भाई, नमस्कार, राइडर चेतन की एक और नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हमारे सामने है TVS Ronin और आज मैं आपको इसका टैंक टू टैंक माइलेज टेस्ट दिखाऊंगा कैसे होता है, मतलब कितना ये माइलेज देती है। और टैंक टू टैंक करेंगे हम इसका, पहले हम इसका टैंक जो है वो फुल कराएंगे, उसके बाद इसे खाली करेंगे, फिर इसमें पेट्रोल मतलब भरवाएंगे, फिर देखेंगे कि ये मतलब कितना इसने माइलेज दिया टोटल। बाकी बाइक पे हम दो लोग होंगे, एक भैया और एक मैं, आप मुझे तो देखा ही होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी शक्ल, तो भाई आप देख लो। तो मैं पूरा ये सेटअप वगैरह में हूँ, तो आप देख लो आराम से, है नहीं। और एक भैया लगभग गाड़ी आप देख लो, लगभग गाड़ी के ऊपर 170 के आसपास केजी का वेट तो है ही है, क्योंकि 75 किलो के आसपास का मैं हूँ और लगभग 90-85 के आसपास भैया होंगे। तो बाकी गाड़ी की जो परफॉर्मेंस वगैरह है वो भी मैं आपको बताता रहूँगा सारा, वो अगली वीडियो में बता दूंगा, फिलहाल तो मैं आपको इसमें माइलेज टेस्ट दिखाता हूँ। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जीरो कर दो। तो भाई यहाँ पर क्या है ना, हम अपनी गाड़ी को फुल करवा लेंगे और वैसे हम 400-500 किलोमीटर चलाने के बाद ही इसका माइलेज निकालेंगे। सीधी कर लो इसे अगर हो जाए तो। बस हो गया, छोड़ो उसको, यार कर दूँ ना। 1197 हो गया बस। अब देखो भाई ऊपर तक आ चुका है, फुली है लगभग। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसे फुल नहीं करवाया, ऊपर तक नहीं करवाया। तो भाई ये ऊपर तक अगर मैं इसमें करवा दूंगा तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में दिखा दूंगा, उसे आप ध्यान से देखते रहना, जिससे कि आपको आगे क्लियर हो जाएगा। और मुश्किल से अगर मैं ऊपर तक भी भरवा देता, ऊपर एकदम पॉइंट तक, तो मुश्किल से 20-30 रुपये का और तेल आता। लेकिन जब हम 400-500 किलोमीटर पर माइलेज टेस्ट करेंगे तो इसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ट्रिप है 0 किलोमीटर, आती पहले ट्रिप 0 करी मैंने इसको। और टोटल रीडिंग कितनी हो रही है? टोटल रीडिंग है 1776, ये ट्रिप 0 अभी पेट्रोल के लिए, और ये हम जो घर से चले। तो भाई रीडिंग आपने देख ली, 1776 हो रही है, बाकी ये जितना माइलेज देगी उतना ही हम भरवाएंगे, ठीक है। तो एकदम एग्जैक्ट आएगा निकल करके, थोड़ा बहुत 19-20 होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई माइलेज की बात करूं तो अभी हमारी गाड़ी चल चुकी है ट्रिप करने के बाद, हमने ट्रिप बी करा था ना, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूं। ट्रिप ए। तो भाई देखो 58 किलोमीटर हमारी जो बाइक है वो चल चुकी है, और गाड़ी में हम दो ही लोग आ रहे हैं, एक भैया हैं और एक मैं हूं। और अभी तक तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है माइलेज का, देखते हैं जब हम पढ़वाएंगे लगभग, फिर आपको बताएंगे कि एक्चुअल में गाड़ी ने कितना माइलेज दिया कितना नहीं, ठीक है। तो वो वीडियो में बने रही है हमारे साथ। दिखाना कितने किलोमीटर चली। 440। टोटल हम चले हैं 438.6। और वो ट्रिप ए था, 2211 हमारी टोटल हो गई गाड़ी, और ये हो गया जहाँ हमने पेट्रोल के लिए ट्रिप करवाया। 1100 पहले देख लो ना कितना आ रहा है, वहीं तक डलवाना है, सीधी कर लेते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर हम पेट्रोल को फुल करवाते हैं, लगभग हमने एक आइडिया से 400 के आसपास जो है वो गाड़ी चला दी होगी, 400-450। बाकी यहाँ मैं आपको फुल करवा के दिखाता हूँ कि जो मैं पहले कह रहा था कि भाई ऊपर तक नहीं करवाते हैं क्यों, तो वो आप यहाँ देख लेना, यहाँ मैं बिल्कुल ऊपर तक भरवा दूँ और देखना गाड़ी में क्या होता है, ठीक है। तो आप यहाँ देखो भाई, अभी हम 0 करवा दे रहे हैं, फिर फुल करवाएंगे। वैसे तो इन्होंने 1100 भर दिया, लेकिन इसे 0 करवाते हैं। ना ना ना, 0 कर दो, 0 0 कर दो आप। हाँ 0 कर दो, चंगी फुल होनी पहले कर। हाँ अब करो, पहला कट क्या अंदर को कर दिया तो कट लग जाएगा, यहाँ छोड़ दिया तो यहाँ। हाँ हाँ करो करो करो, बता देंगे अपन, बता देंगे। और करो, और बढ़ाओ, ये तो बहुत नीचे है, बता दिए, बढ़ाते रहो, अभी तो बहुत नीचे है, बिल्कुल नीचे दिख रहा है अभी तक। कट तो सही कह रहा हूं, समझ में मार देगा कट, ऊपर उठा दिया तो वो मार देगा, छूटे ही। करो बस, थोड़ा और कर दो, टकरा गई लाइन से। ना, बस अभी नहीं, अभी है नीचे, है अभी है नीचे, बहुत नीचे, अभी आधा एक लीटर आया। बस 50 का होगा, 1350 भाई देख लो, पूरा यहाँ तक भर गई है, ऊपर ही तक है बिल्कुल।
1350 तो भाई गाड़ी में क्या है ना, हम लोगों ने पेट्रोल फुल करा लिया है और अब टाइम आ चुका है कैलकुलेशन का। तो गाड़ी में जो तेल पड़ा है वो पड़ा है 13.92 यानी 14 लीटर के आसपास तेल पड़ा है। 0.1-0.2 से यार देखो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब हम 450-450 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं तो। और यहाँ पर जो रीडिंग है वो है 434.3, तो हम इसे भी 435 मान लेते हैं और वहाँ पर 14 लीटर। तो आपकी स्क्रीन पर भाई कैलकुलेट करने के बाद जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने है। टोटल भाई 31 का माइलेज गाड़ी ने दिया है जो आप सामने देख रहे होगे। तो 31 का माइलेज मिलता है सिटी हाईवे सब में, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा बुरा है क्योंकि हम 70-80-90 चलाते हुए लाए हैं गाड़ी दो लोगों के साथ। और ये समझ लो आप कि इससे कम माइलेज आपको देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ये सबसे कम है इसका। बाकी देखो जो ऊपर तक पेट्रोल भरवाने का यही नुकसान है कि देख रहे हो भाई ये पेट्रोल यहाँ से निकल रहा है, इसी वजह से मैं कह रहा था कि ऊपर तक नहीं भरवाना चाहिए और ना ही मैंने भरवाया था पहले, बट अभी आपको दिखाने के चक्कर में भरवा दिया इसमें। तो देखो भाई कैसे ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं इसके। तो गाइज इस वीडियो में तो इतना ही था, बाकी इसके अलावा अगर आपको इसके मॉडिफिकेशन, कस्टमाइजेशन और हमने इसका फ़िल्टर चेंज करवाया है वो सारी वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ एक से एक बढ़िया कंटेंट आपको इसका देखने के लिए मिलेगा। तो सही है, वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।